हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी के बारे में सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि साइटोलॉजी में सबसे पहले तो हम किसकी स्टडी करते हैं, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे स्मियर बनाते हैं, कैसे स्टेनिंग करते हैं, ये सारी चीजें साइटोलॉजी के अंदर आती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी में, इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है और कौन कौन से सैंपल हम साइटोलॉजी में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिस्ट्री। यानी कि साइटोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल दोनों की स्टडी हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। अब साइटोपैथोलॉजी मतलब कि एबनॉर्मल सेल की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसको कहते हैं साइटोपैथोलॉजी, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है लाइफ साइंस की जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल की, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसकी केमिस्ट्री की, ये सारी स्टडी हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। अब सेल क्या है ये तो आप सभी को पता ही होगा, मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। सेल जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और सेल से ही मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ये सब हमको पता है। ठीक है, तो इट कैन बी रेफर्ड टू एज सेल बायोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। मैंने अभी एक वर्ड आपको बताया था साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी मतलब कि हम इसमें एबनॉर्मल सेल की स्टडी करते हैं, वो साइटोपैथोलॉजी में आता है। तो इसको सेल बायोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी दोनों में रेफर किया गया है। अगला आता है सेल बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल्यूलर एनाटॉमी फंक्शन। यानी कि सेल बायोलॉजी वो है कि जो सेल्यूलर एनाटॉमी फंक्शन नॉर्मल सेल की हम स्टडी करते हैं वो सेल बायोलॉजी के अंदर आता है, और जो पैथोलॉजी दैट स्टडी एंड डायग्नोसिस डिसीज ऑन द सेल्यूलर लेवल, यानी कि सेल के अंदर की डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम साइटोपैथोलॉजी का मतलब साइटोपैथोलॉजी के अंदर आता है, उस सेल की यानी कि एबनॉर्मल सेल की स्टडीज इसके अंदर करते हैं। अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी हमको बताइए कि हिस्टो मतलब होता है यहाँ पे हम टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, तो यहाँ पे भी वही वर्ड है, हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू की स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब कि एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, एबनॉर्मल टिश्यू यानी कि डिसीज की स्टडी कर रहे हैं हम उसके अंदर, तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आएगा। साइटोलॉजी सेल की स्टडी, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी। ओके, इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे कि ये एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे हम स्मियर बनाते हैं, सबसे पहले तो कैसे कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से कलेक्शन करते हैं, कैसे स्मियर बनाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, जैसे स्मियर कलेक्शन में अगर आपने कोई गलती हो गई है, गलती तो क्या कहें हालांकि, पर अगर सही से कलेक्शन आपने नहीं किया है, स्मियर प्रिपरेशन अगर आपने सही से नहीं किया है तो आपका डायग्नोसिस भी सही नहीं होगा। तो ये कलेक्शन, स्मियर प्रिपरेशन, स्टैनिंग, फिक्सेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइटोलॉजी के अंदर। तो कहाँ थे हम, एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी क्या है। एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी मीन्स इट इज स्टडी ऑफ सेल दैट हैव शेड और रिमूव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस और वेरियस ऑर्गन हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है, एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी मतलब कि हम कैंसर के डिटेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन क्या है ये एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी, यानी कि इसमें हम किस किस स्टडी करते हैं, यानी कि वो सेल जो कि शेड हो रही हो अपनी बॉडी के द्वारा, खुद से ही शेड हो रही हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी। शेड और रिमूव फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस यानी कि सरफेस से सेल जो है वो शेड हो रही है, शेड मतलब कि बहना। ठीक है, शेड हो रही है मतलब जो कि नेचुरली शेड हो रही है। ठीक है, तो एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी भी साइटोलॉजी की ही एक ब्रांच है। अब साइटोलॉजी स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड ऑन,
किस बेस पे हम साइटोलॉजी के लिए साइटोपैथोलॉजी की स्टडी किसके लिए करते हैं, तो डिस्चार्ज कलेक्शन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और कहाँ कहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, ये सब अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज कलेक्शन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो कलेक्शन बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है वहां से हम कलेक्ट करते हैं, जैसे साइनस हो गया, निप्पल से जो डिस्चार्ज होता है उसको कलेक्ट करके वहां से भी हम कैंसर को डायग्नोसिस करते हैं, वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है वहां से भी कैंसर को डायग्नोसिस करते हैं, स्क्रैपिंग हम करते हैं। अब जहां पे डिस्चार्ज नहीं होता है, जैसे बकल में कोसा हो गया, तो वहां से हम स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग की हेल्प से वहां पर डायग्नोसिस करते हैं फ्रॉम म्यूकोजल सर्फेस। यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जैसे साइनोवियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ये सब अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, कैसे कलेक्शन करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी आगे देखेंगे। उसके बाद एस्पायरेशन कलेक्टेड फ्रॉम पेल्पेबल लम्स। पेल्पेबल मतलब हम समझे तो महसूस हो रहा है, यानी कि जो गांठ होती है, गांठ हमें महसूस हो रही है, तो उसे हम कहते हैं पेल्पेबल लम्स, FNSC, जैसे फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये भी साइटोलॉजी के अंदर ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FNSC कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे हालांकि साइटोलॉजी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ बात कर रहे थे हम, एस्पायरेटेड कलेक्टेड फ्रॉम पेल्पेबल लंग्स, तो वहां पर एस्पायरेशन वहां से करते हैं। अगला आता है, जब भी हम कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, तो बिफोर कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि हमें कलेक्शन करना है तो सबसे पहले पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम नोट करेंगे, उसका नाम, उसकी एज, सेक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिजिशियन नेम, ये सारी चीजें हमारा एक फॉर्म होना चाहिए, वो फिलअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जब भी कलेक्शन करते हैं उससे पहले। अब आता है सब डिविजन ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी का भी सब डिविजन हुआ है, किस किस में, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी, इसमें क्या होता है, दिस डील्स विद द साइटोलॉजी ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम, यानी कि जब फीमेल जेनिटल ट्रैक से हम कलेक्शन करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के अंदर। तो डील्स विद द साइटोलॉजी ऑफ वेजाइना, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम, ये सब गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी के अंदर आता है। अगला है नॉन गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी, अब इसके अंदर क्या आता है, दिस इज द साइटोलॉजी ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन बॉडी फ्लूइड्स, मैंने अभी आपको बताया साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, ठीक है, अदर स्पेसिमेन जैसे यूरिन हो गया, स्पूटम हो गया, ये सब नॉन गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी के अंदर आएगा। उसके बाद आता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, जिसे हम FNSC कहते हैं, एस्पायरेशन हम करते हैं पेल्पेबल लम्स, अभी मैंने आपको बताया। द स्टडी ऑफ सेल एस्पायरेटेड फ्रॉम ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ओके, तो फर्स्ट वन हम सबसे पहले बात करते हैं गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के बारे में। तो गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी हम क्यों करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी, ये हम क्यों करते हैं, कैंसर के डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ मेलिग्नेंसी, मेनली कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के में कैंसर हो, ठीक है, वेजाइना में, या फिर असेसमेंट ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी, हार्मोनल एक्टिविटी में कोई असेसमेंट हो उसकी वजह से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन हो, ठीक है, सर्विक्स कैंसर हो, तो इन सब के डायग्नोसिस के लिए हम गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी करते हैं, और डायग्नोसिस ऑफ प्री कैंसर्स को डायग्नोसिस करने के लिए भी गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी की जाती है। स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंक्लूड, कहाँ कहाँ से हम इसमें स्मियर कलेक्शन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर हुआ जैसे, तो सर्वाइकल स्मियर, सर्विक्स कैंसर हुआ तो सर्वाइकल स्मियर, वेजाइनल इन्फेक्शन है तो वेजाइनल स्मियर, इसी प्रकार से जैसे वेजाइनल पूल स्मियर, एंडो सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, ये सब कलेक्शन कैसे करते हैं अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। अगला आता है पेप स्मियर, अब ये पेप स्मियर क्या होता है, एक और वर्ड आपने सुना होगा पेप स्टेनिंग, ठीक है, पेप स्टेनिंग, अब ये पेप स्टेनिंग और पेप स्मियर में बहुत सारे को डिफरेंस पता नहीं है, बहुत सारे इसी को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन ये अलग अलग है।
पेप स्मियर हम उसको कहते हैं जो स्मियर हम बनाते हैं फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट नोन एज पेप स्मियर, चाहे सर्वाइकल स्मियर हो, वेजाइनल स्मियर हो, जो भी स्मियर हम बनाते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट उसको हम कहते हैं पेप स्मियर। और पेप स्टेनिंग अलग चीज है, ठीक है। स्टेनिंग में हम जब स्मियर को स्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं पेप स्टेनिंग। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पेशेंट प्रिपरेशन, अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं कि जब भी हम कलेक्शन करते हैं तो पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब भी हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, कोई भी फीमेल हो, जब भी हम उसका स्मेयर कलेक्शन करेंगे तो सबसे पहले उसको बताएंगे, यानी कि उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नो इंटरवेजाइनल ड्रग यूज्ड एटलीस्ट वन डे, यानी कि उसने कोई भी ऐसा क्या नहीं लिया हो, ड्रग यूज में नहीं लिया हो, ठीक है, ड्रग नहीं यूज किया हो इंट्रावेजाइनल। एक तो ये प्रिकॉशन रखना है। दूसरी बात कि अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फॉर वन डे, यानी कि कम से कम एक दिन पहले तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सैंपल नॉट कलेक्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो तो कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन हमें नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए कि जो एलएमपी की आपकी, यानी कि जो लास्ट एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है आपका, उसका जो फर्स्ट डे है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट डे है उससे लगाकर कम से कम 2 वीक तक आपको सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। तो ये इंस्ट्रक्ट आपको पेशेंट को करना है, तभी आपको सैंपल कलेक्शन करना है। ओके, अब आता है सबसे पहला सर्वाइकल स्मियर। सर्वाइकल स्मियर हम क्यों करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो कैंसर ऑफ द यूटेराइन इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि यूटेराइन कैंसर जो है वो कॉमनेस्ट कैंसर है जो कि फीमेल के अंदर होता है। कैन डिटेक्ट कैंसर एंड प्री कैंसर, तो इसकी मदद से हम सर्वाइकल साइटोलॉजी से हम कैंसर और प्री कैंसर दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कलेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कलेक्शन डिवाइस हम यूज करते हैं सर्वाइकल के लिए, वेजाइनल स्मियर के लिए, एंड्रोमेट्रियम, वेजाइनल पूल, सभी के लिए यूज कर में लेते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो सर्वाइकल स्मियर हम लेते हैं तो वो कौन से डिवाइस से कलेक्ट करते हैं, तो एयर्स स्पैचुला इसका नाम है। सर्विक्स ब्रश भी हम यूज करते हैं, ये भी इस तरीके का ब्रश होता है, ये ऐसा ब्रश होता है, ठीक है, और साइटो ब्रश भी होता है। तो ये सब हम कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। सर्वाइकल स्मेयर की सैंपलिंग हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो द कलेक्शन इज मेड एट द जंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या है, ऑफ द कॉल्यूमनर एपिथेलियल बाय द विजुअलाइजिंग द सर्विस, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या है, यानी कि ये एक ऐसा कॉमन प्लेस है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जहाँ पर एबनॉर्मल सेल जो है वो डेवलप होती है। तो ये कॉमन प्लेस है जहां पर एबनॉर्मल सेल डेवलप हो सकती है, तो हम यहाँ से कलेक्शन करते हैं। तो ये ऐसा जंक्शन है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द कॉल्यूमनर एपिथेलियल बाय विजुअलाइजिंग द सर्विक्स, सर्विक्स के द्वारा इसको विजुअलाइज करते हैं। द स्पैचुला इज इंसर्ट वियर द स्पैकुलम। अब ये स्पैकुलम क्या है और स्पैचुला क्या है, स्पैचुला अभी हमने देखा एयर स्पैचुला जिसकी मदद से हम सेल को कलेक्ट करेंगे। तो इस स्पैकुलम की मदद से, स्पैकुलम जो है कैसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम सर्विक्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर, और ये स्पैचुला इंसर्ट करते हैं उसके अंदर और वहां से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक डिवाइस होता है स्पैकुलम, इसकी मदद से हम स्पैचुला इसके अंदर डालते हैं और सर्विक्स से सेल को कलेक्ट करते हैं इन टू द सर्वाइकल एंड रोटेट थ्रू 360 डिग्री एंगल, ठीक है, यहाँ पर एंगल है। तो ये 360 डिग्री का एंगल हमारा होना चाहिए जब हम कलेक्ट करते हैं सैंपल तब, और उसको रोटेट करना है वहां पर ले जाके, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करना है ताकि जो आसपास की जो भी सेल है वो सब कलेक्ट होकर आ जाए। उसके बाद में द मटेरियल कलेक्टेड इज क्विकली स्मियर्ड, क्विकली मतलब कि इसको तुरंत हमें स्मियर बना लेना है। जैसे ही हमने कलेक्शन किया एक स्लाइड लेनी है, क्लीन स्लाइड होनी चाहिए, ड्राई स्लाइड होनी चाहिए, और वहां पर हम स्मियर लेके उसको स्प्रेड कर लेंगे, ठीक है, वहां पर एक स्मियर बना लेंगे और तुरंत उसको फिक्स भी करना है। अवर प्री लेबल्ड माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड फिक्स इमीडिएटली, उसको तुरंत हमें फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे, फिक्सेटिव से,
तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी सैंपल कलेक्ट करते हो साइटोलॉजी के अंदर, तो उसको तुरंत फिक्स करना है, क्योंकि उसकी सेल जो होती है वो, हम जो भी सेल कलेक्ट करते हैं तो उसका मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन आ जाता है सेल का, इस वजह से हमें उसे तुरंत फिक्स कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने सैंपल भी कलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने स्मेयर बना लिया, स्मेयर को फिक्स भी कर लिया, देन हम इसको स्टेन करके डायग्नोस कर सकते हैं। एस्पायरेट फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स वेजाइनल पूल स्मेयर। अब हमने सर्वाइकल स्मेयर कलेक्ट कर लिया, सेकेंड हमारा है एस्पायरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स वेजाइनल पूल स्मेयर। अब ये क्या है, यानी कि पोस्टीरियर फॉर्निक्स यानी कि वेजाइनल पूल स्मेयर, इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां से हम इजिली कलेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे हमको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, मतलब ये इंटरनल पार्ट है, तो या तो पुश करना पड़ता है या फिर इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट तो क्या कहेंगे, पीपेट आता है, तो उसके आगे सक्शन बल्ब लगा होता है कि आप उसको जैसे अंदर डालोगे तो वो उसको खींच लेगा सेल को। ठीक है, तो सक्शन बल्ब उसके अंदर लगा हुआ होता है, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक पीपेट विथ सक्शन बल्ब। ठीक है, एक पीपेट होता है जिसके द्वारा हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या कलेक्ट करने के लिए, वेजाइनल पूल स्मेयर के लिए। सैंपलिंग देखेंगे, विद द एड ऑफ स्पेकुलम द पीपेट इज जेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना। अब इसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पेकुलम यूज कर रहे हैं, पीपेट को हम इसमें इंट्रोड्यूस्ड करेंगे और वेजाइना के अंदर डाल के सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। फॉलोइंग एस्पायरेशन स्मियर आर प्रिपेयर्ड एंड फिक्स इमीडिएटली। फिर से देन वही प्रोसेस, जैसे ही हमने कलेक्ट किया स्मियर को प्रिपेयर करेंगे और उसको तुरंत फिक्स कर लेंगे। अगला है हमारा वेजाइनल स्मियर। वेजाइनल स्मियर आर वैल्यूबल फॉर द असेसमेंट ऑफ हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन के लिए या फिर कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो उसके लिए हम वेजाइनल स्मियर यानी कि वेजाइनल साइटोलॉजी करते हैं। सेल्यूलर मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्रैपिंग द अपर थर्ड ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द वेजाइना विद द वुडन एयर स्पैचुला और सर्वाइकल ब्रश, या फिर जो कॉटन स्वैब होता है, कॉटन स्वैब, ठीक है, उसकी मदद से भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास एयर स्पैचुला या सर्वाइकल ब्रश नहीं है तो। ठीक है, तो जैसे हमारे ये वेजाइना का जो ये वॉल है, ये वेजाइना की वॉल है, तो यहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम ये जो लेयर है यहाँ से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे स्क्रैपिंग के द्वारा। ठीक है, स्क्रैपिंग के द्वारा कलेक्ट करेंगे, और हमने अभी देखा था कि सर्वाइकल स्मियर हमें कलेक्ट करना है, तो ये हमारा सर्विक्स में इस तरीके से हम इंजेक्ट करते हैं स्पेकुलम को और यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम और आगे देखेंगे एंडोमेट्रियम और एंडो सर्वाइकल, तो वो भी हम देखेंगे। तो दिस आर थीनली स्मियर्ड और अवर क्लीन प्ली लेबल स्लाइड एंड फिक्स्ड इमीडिएटली। ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, आप थोड़ा सा देख लेना, वैसे मैंने लिख दिया है। तो ये वेजाइना का यहाँ से स्मियर हमने कलेक्ट कर लिया है स्क्रैपिंग के द्वारा। ठीक है, ये जो लेटरल वाल है वेजाइना की, यहाँ से किसके द्वारा, वुडन या तो एयर स्पैचुला वुडन या फिर सर्वाइकल ब्रश या फिर कॉटन स्वैब की मदद से भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। तुरंत आपको स्मियर बनाना है, उसको फिक्स करना है इमीडिएटली। उसके बाद आता है अगला एंडो सर्वाइकल स्मियर। एंडो सर्वाइकल स्मियर क्या है, अब नाम से समझो इसको, एंडो मतलब कि अंदर, सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स के अंदर। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो सर्विक्स के अंदर है यहाँ पर, ये थोड़ा सा डीप यहाँ पे हमको कलेक्ट करना है। तो द कॉटन टिप स्वैब इज इंसर्टेड इनटू द एंडो सर्विक्स एंड रोटेट जेंटली टू द कवर वाइड एरिया ऑफ द एंडो सर्विक्स। यानी कि ये जितना भी एरिया है यहाँ से हमको इसको कवर करना है। आपको एक कॉटन स्वैब लेना है, कॉटन जो टिप स्वैब है उसको एंडो सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हम वहाँ पर उसको रोटेट करेंगे और सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। देन फिर से स्मियर प्रिपेयर करना है एक क्लीन स्लाइड पर और उसको इमिडिएटली फिक्स करना है। अगला आता है एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन। एंडोमेट्रियल, अब ये सबसे इनर लेयर है। ठीक है, द कैन्यूला इस, इसमें हम या तो कैन्यूला या फिर कैथेटर इंसर्ट करेंगे इनटू द यूटेराइन कैविटी एंड द सेल्यूलर मटेरियल इज एस्पायरेटेड यूजिंग अ सीरिंज। ठीक है, सीरिंज की मदद से या फिर कैन्यूला कैथेटर की मदद से हम इसको एस्पायरेट करेंगे। उसके बाद तुरंत हम स्मियर बना लेना है प्री लेबल स्लाइड एंड इसको
फिक्स्ड करना है, ये लाइन सब में फिक्स है कि इसमें यार बनाना है और फिक्स्ड करना है। फिक्स्ड क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये तो हो गई हमारी गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी, अब आती है नॉन गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी में हम कौन कौन से स्मियर बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नॉन गायनेकोलॉजिकल साइटोलॉजी के अंदर क्या आता है। सबसे फर्स्ट वन हम बात करें तो स्पूटम। अब ये स्पूटम हमें कैसे कलेक्ट करना है, तो स्पूटम हम कब कलेक्ट करते हैं, रेस्पायरेटरी, ठीक है, रेस्पायरेटरी को इन्फेक्शन हो तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम करते हैं इसमें, तो हम स्पूटम का सैंपल ले सकते हैं या फिर जो ब्रोंकियोस्कोपी के द्वारा ब्रोंकियल लेवेज भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्पूटम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो स्पूटम हम जब कलेक्ट करते हैं तो स्पेसिमिन इज वैल्यूबल फॉर स्टडी ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। कोई भी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन आपको हो, ट्रेकिया, ब्रोंकियल, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन आपको हो रेस्पायरेटरी लंग्स में, तो उसमें हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं। पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण जैसे कोरोना वायरस हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, या फिर मैलिग्नेंट लेसन भी डायग्नोसिस के लिए हम स्पूटम का कलेक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि कलेक्शन हमें किस टाइम पे करना है, क्या कलेक्ट करना है स्पूटम। कलेक्शन एज अर्ली मॉर्निंग डीप कफ, ठीक है, जो डीप कफ यानी कि जो खकार होती है अर्ली मॉर्निंग की, सुबह सुबह उठते से ही जो डीप खकार होती है वो आपको एक कंटेनर में लेना है और उसका स्मियर प्रिपेयर करना है और उसको फिक्स करना है 50% अल्कोहल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पूटम। अब हम काय की बात कर रहे थे, मैं आपको कुछ बता रही थी कि एक प्रोसीजर होती है ब्रोंकोस्कोपिक, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपिक में क्या होता है कि एक दूरबीन होता है, ठीक है, उस दूरबीन की मदद से हम लंग्स के अंदर देख सकते हैं और उसी से जो है नीडल भी इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, ये तो नीडल या फिर ब्रशिंग करेंगे या फिर वॉशिंग करते हैं। ब्रोंकोस्कोपिक एक प्रोसीजर होती है जो डॉक्टर करते हैं, तो उसकी उस समय क्या करते हैं हम, जो वो ब्रश डालते हैं उससे, तो उससे भी हम स्मेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक दूरबीन होता है, उस दूरबीन की हेल्प से या तो नीडल से कलेक्ट करेंगे सैंपल या फिर ब्रशिंग करते हैं या फिर वॉशिंग। ब्रशिंग से हम कलेक्ट स्मेयर प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा, और वॉशिंग, और जब वॉशिंग हो जाती है तो उसके बाद का जो हम स्पूटम लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होता है डायग्नोसिस के लिए, उससे हम मोर सेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैंसरस सेल को या फिर कोई इन्फेक्शन हो तो। तो ये एक प्रोसीजर थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है सेकंड यूरिन। यूरिन कलेक्शन क्यों करते हैं हम, तो यूरिन एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरेथ्रल ट्यूमर हो गया, कोई भी यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया, कोई भी कार्सिनोमा हो गया, या फिर कार्सिनोमा कहाँ पे, किडनी में हो गया, प्रोस्टेट इन मेल में हो गया, ठीक है। तो इन सबको डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन कलेक्शन करते हैं। नॉर्मल यूरिन कंटेन फ्यू और number of cell, but under certain pathological condition the urine contain many abnormal cell, ठीक है। जब normal urine में या तो बिल्कुल हल्की cell होती है या नहीं भी होती है, लेकिन जब कोई pathological condition होती है, कोई carcinoma हो गया, bladder infection हो गया, ठीक है, तो उस condition में abnormal cell हमको देखने को मिलती है urine के अंदर, इसलिए urine का sample collection भी हम करते हैं। अब देखते हैं collection। allow patient to drink 1 glass of water every 15 minutes for 2 to 3 hours, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एलो पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, यानी कि हम पेशेंट को बोलेंगे, सैंपल कब कलेक्ट करना है पेशेंट को बोलेंगे, यानी कि आपको हर 15 मिनट में एक ग्लास पानी पीना है फॉर 2 to 3 hours, यानी कि 3 घंटे तक हमें यही प्रोसीजर करना है, 2 से 3 घंटे तक, कि हर 15 मिनट में आपको एक ग्लास पानी पीना है। उसके बाद जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हमें यूरिन को कलेक्ट करना है एक ड्राई और क्लीन कंटेनर में, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से, एक क्लीन ड्राई और कैप लगी हुई हो नीचे उसके ऊपर कंटेनर में, हम लगभग 50 ml कैपेसिटी यानी कि 50 ml जो है उसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब आपने देखा होगा कि अक्सर जो यूरिन कलेक्ट करते हैं हम, तो जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें सेल जो है वो
हो जाती है, या यूं कहे तो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हम कर पाते हैं। तो यह बेस्ट प्रोसीजर होती है उस कलेक्शन डायग्नोसिस के लिए। अगला आता है कि जब हमने यूरिन कलेक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना है, फिक्सेशन करना है। तो फिक्सेशन हम कैसे करेंगे कि जो सैंपल हमारे पास आया है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और उसका जो सेडिमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब में हमारे पास ये सैंपल है, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। नीचे जो हमारा सेडिमेंट रहेगा, इस सेडिमेंट से हम स्मियर बनाएंगे, ठीक है, इस सेडिमेंट से हम स्मियर बनाएंगे। और ये स्मियर, द यूरिन सेडिमेंट इज मिक्स्ड विद सम रॉ फॉर पैक एल्बुमिन एंड देन स्मियर। उस यूरिन सेडिमेंट को हम मिक्स करेंगे सम रॉ फॉर पैक एल्बुमिन के साथ, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से स्मियर बना लेंगे। जैसे स्मियर बनाएंगे उसको फिक्सेशन करेंगे, और प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, 50% एल्कोहल के साथ। समझ में आया? आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा गैस्ट्रिक लावेज, इसोफेगल गैस्ट्रिक प्रेशर स्मियर। ओके, गैस्ट्रिक लावेज में क्या करना है हमें, इसोफेगल गैस्ट्रिक ब्रश स्मियर स्पेसिमेन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर ऐसे टू डायग्नोस मेलिग्नेंसी। ये भी हम क्यों करते हैं भाई, साइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी मतलब कि कैंसर का डायग्नोसिस करना, ठीक है, तो मेलिग्नेंसी को डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, या फिर कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी। लेशन इन द ओरल कैविटी कैन बी सिंपल्ड बाय स्क्रैपिंग द सरफेस ऑफ मेटाबॉलिक और वुडल स्पेचुला। यानी कि आपको ओरल कैविटी में अगर कोई लेशन है तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, स्क्रैपिंग के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जीप से कर सकते हैं, आपको गले तक करना है तो वो अपन जो वुडल स्पैचुला होता है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। सैंपल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इसोफेगस स्टमक स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आइदर बाय ब्रशिंग और लैवेज ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। अब जैसे हमने ब्रोंकोस्कोपी देखा था, सेम ऐसे ही एंडोस्कोपी भी एक प्रोसीजर है, उसमें आप उसमें भी एक ऐसे तरीके से डालते हैं डिवाइस, और उससे हम देख सकते हैं अंदर के सभी पार्ट को, और वहां से ब्रशिंग करते हैं, तो ब्रशिंग के द्वारा जो सेल आती है उससे हम स्मेयर बना लेते हैं। तो ये किसके लिए है, इसोफेगस के लिए, स्टमक के लिए, या स्मॉल या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। अगला है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या लेते हैं हम, बॉडी फ्लूइड सच एज जैसे जैसे प्लूरल फ्लूइड हो गया, ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, यानी कि जो हर्ट है उसके चारों ओर जो फ्लूइड होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड यानी कि एब्डोमन के चारों ओर जो है वो पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया। एक और होता है जो एबनॉर्मल फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल एब्डोमन फ्लूइड जो होता है उसको हम एसिटिक फ्लूइड कहते हैं या फिर एसाइटिक फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो जॉइंट होते हैं उसके चारों ओर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कह देते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। फ्लूइड शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई कंटेनर एंड एग्जामिन फ्रेश सैंपल, यानी कि हम फ्रेश सैंपल का एग्जामिन करते हैं, ठीक है, आपको एक क्लीन और ड्राई कंटेनर में ये फ्लूइड लेना है। इफ एडली इफ डिले फ्लूइड शुड बी प्रिजर्व इन एंटीकोगुलेंट ADTA और 3.8% सोडियम सिट्रेट फॉर प्रिजर्व सेल्यूलर डिटेल, यानी कि उसकी जो सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी है उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम इसको, अगर डीले हो रहा है, अगर आप फ्रेश सैंपल को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में हम इसको एंटीकोगुलेंट या तो ADTA के अंदर रख देंगे या फिर सोडियम सिट्रेट या फिर हिपेरिन के अंदर भी, ठीक है, हिपेरिन के अंदर भी रख सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा लास्ट निप्पल डिस्चार्ज। ठीक है, साइटोलॉजी में अभी तक हमने देखा कि कैसे कौन कौन से स्मियर हम कलेक्ट करते हैं, कैसे आपको कलेक्ट करना है। अब लास्ट वन हमारा बचा है निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल डिस्चार्ज होता है तो एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल विच नॉट रिलेटेड टू लैक्टेशन और प्रेगनेंसी इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग। यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कलेक्शन के लिए, ग्लास लाइट, जार कंटेनिंग फिक्सेटिव, लीड पेंसिल और नॉर्मल स्लाइड। लीड पेंसिल इसलिए क्योंकि जो स्लाइड होती है हमारी, उस स्लाइड पे कुछ भी अगर हमें नंबरिंग तो करनी होती है, या तो नंबरिंग करो या फिर पेशेंट का नाम जो भी आपके लैब में चलता हो, तो पर स्लाइड पे हमें जरूर ये डाल देना है। तो जो लीड पेंसिल होती है उससे क्या है कि ये मिटता नहीं है, बाकी अगर आप नॉर्मल मार्कर वगैरह यूज करोगे तो वह स्टेनिंग में हट जाएगा।
इसलिए लीड पेंसिल। और जार कंटेनिंग फिक्सेटिव, ठीक है, एक जार होता है कॉपलिन जार जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम स्लाइड को डीप करते हैं फिक्सेशन के लिए, या फिर या तो स्प्रे से करो या फिर उस कंटेनर के अंदर भी डाल सकते हो, और एक ग्लास स्लाइड, ठीक है। अब कलेक्शन कैसे करना है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये निप्पल है, ये ब्रेस्ट है। क्लीन द सरफेस ऑफ द निप्पल विद सलाइन, यानी कि हमें ये जो सरफेस है इसको अच्छे से क्लीन करना है सलाइन से। जेंटली प्रेस ओनली द निप्पल एंड सब एरियोला एरिया ऑफ एनी सिक्रीशन लाइंग इन द डंक। अगर कोई भी सिक्रीशन होगा तो आपको दोनों साइड इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। इन दोनों साइड प्रेस करोगे तो जो भी सिक्रीशन होगा वो सिक्रीट हो जाएगा, और उसी से हमें स्मियर सिक्रीशन को, जो सिक्रीट हो रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम एक स्लाइड पे ले लेंगे, ठीक है, क्लीन स्लाइड पे ले लेंगे। पुट द स्लाइड इमिडिएटली इन फिक्सेटिव, और उसको हम तुरंत फिक्सेटिव में डाल देंगे 95% एल्कोहल, या फिर स्प्रे भी कर सकते हो आप स्लाइड के ऊपर। इट कैन बी क्लियर, मिल्की, ब्राउनिश और हिमोरेजिक हो सकता है। अब ये तो हो गया कि डिस्चार्ज हो रहा है तो हमने कलेक्शन स्लाइड पे ले लिया। अब अगर कोई गांठ अगर हो जाती है, अभी मैंने क्लम्स बताया था आपको, आगे एक वर्ड बताया था, तो अगर कोई गांठ हो गई है उसको हमें कलेक्ट करना है तो हम एस्पायरेशन से करते हैं, जो एफएनएसी होती है उस एफएनएसी से हम इसको एस्पायरेट करते हैं निडिल के थ्रू, और उसको एस्पायरेट करके निडिल में जो भी सेल्स आती है उससे हम स्मियर बना लेते हैं, और फिर उसकी स्टैनिंग करके उसको डायग्नोज करते हैं। तो ये हो गया हमारा साइटोलॉजी का आज का लेक्चर, कि हमने साइटोलॉजी में देखा कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी में हम कौन कौन से स्मियर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं स्मियर, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप साइटोलॉजी में कोई सा भी स्मियर अगर प्रिपेयर करते हो तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ओके, ताकि आपके भी माइंड में रहेगा, जब तक आप डबल रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई, तो रिवीजन करना तो जरूरी है। एक मिनट, स्टार्ट। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। साइटोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, साइटोपैथोलॉजी के अंदर हम एबनॉर्मल सेल की स्टडी करते हैं, और साइटोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी, यानी कि जो सेल शेड हो रही हो, जो नेचुरली शेड हो रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सपोलिएटिव साइटोलॉजी। हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, जो साइनस निप्पल या वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, या फिर बकल म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसल सरफेस से जो स्क्रैपिंग करते हैं, यूरिन या फिर अदर बॉडी फ्लूइड हो गया, एफएनएसी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम साइटोलॉजी के अंदर कलेक्शन करके इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। जब भी कलेक्शन करें पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी होनी चाहिए। साइटोलॉजी को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, गायनेकोलॉजी, नॉन गायनेकोलॉजी और एफएनएसी। गायनेकोलॉजी में हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम की स्टडी करते हैं। नॉन गायनेकोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड अदर स्पेसिमेन, देन फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। गायनेकोलॉजी साइटोलॉजी हम सर्विक्स की सर्विक्स कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, हार्मोनल एक्टिविटीज के असेसमेंट के लिए, ठीक है, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गया, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, प्री कैंसर के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। कौन कौन से किस किस जगह से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर्वाइकल स्मियर, वेजाइनल स्मियर, वेजाइनल पूल स्मियर, एंडो सर्वाइकल स्मियर और एंडोमेट्रियल स्मियर। पैप स्मियर और पैप स्टैनिंग में डिफरेंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेशेंट प्रिपरेशन हमें क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, ठीक है, कोई भी ड्रग यूज में नहीं लेना है, एक दिन का कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हमें सैंपल कलेक्शन नहीं करना है। सर्वाइकल स्मियर में हमें कलेक्शन डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर स्पेचुला, सर्विक्स ब्रश और साइटो ब्रश, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन मैंने आपको बता ही दिया है कि वो एरिया, कॉमन एरिया जहां पर एबनॉर्मल सेल जो है वो डेवलप हो सकती है।
वेजाइनल पूल स्मियर, एस्पायरेशन फ्रॉम द जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, या फिर जैसे वेजाइनल पूल स्मियर भी हम कहते हैं, वहां से हम सेक्शन सक्शन बल्ब की मदद से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इंटरनल एरिया है, इसलिए हम मतलब इजीली वहां से कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है वेजाइनल स्मियर। वेजाइनल स्मियर हम हार्मोनल फंक्शनल के लिए करते हैं, क्या असेसमेंट के लिए करते हैं, जो लेटरल वाल होती है वेजाइना की, ठीक है, यहाँ से हम स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग की मदद से स्मियर प्रिपेयर करके हमेशा उसको फिक्स करना है। एंडो सर्वाइकल, एंडो सर्वाइकल में हमें जो एंडो सर्विक्स होता है उसके अंदर रोटेट करके कॉटन स्वैब की हेल्प से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल कैन्यूला इज इंसर्टेड, या तो कैन्यूला कैथेटर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, या सिरिंज के हेल्प मतलब की नीडल के हेल्प से लेते हैं। दिस स्मियर आर मेड ऑन क्लीन प्री लेपर्ड स्लाइड। नॉन गायनेकोलॉजी में हम स्पूटम लेते हैं। स्पूटम जो होता है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के लिए हम करते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन के लिए, पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई, किस किस के लिए, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन, या फिर कोई भी मैलिग्नेंट लेजन हो सकता है। कलेक्शन हमें अर्ली मॉर्निंग कलेक्ट करना है, 50% अल्कोहल में उसको फिक्स करना है। यूरिन हम किस चीज़ के लिए करते हैं, एक तो यूरेथ्रल ट्यूमर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, कार्सिनोमा हो गया, या तो प्रोस्टेट इन मेल में हो गया भाई, या फिर कार्सिनोमा हो गया किडनी में, सही आए थे मतलब। कलेक्शन कलेक्शन में एलो पेशेंट टू ड्रिंक, यानी कि हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, कि हमें हमें उसे 15 मिनट के लिए, हर 15 मिनट में एक ग्लास, वन ग्लास ऑफ वाटर देने के लिए कहेंगे, कम से कम 3 घंटे तक। 3 घंटे बाद हम उसको कलेक्ट यूरिन इन ड्राई एंड क्लीन कंटेनर। फिक्स कैसे करना है, फिक्स करने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसमें प्रिपेयर करेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे। गैस्ट्रिक लैवेज, गैस्ट्रिक लैवेज में स्पेसिमेन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मैलिग्नेंसी की डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं। लेजन इन द ओरल कैविटीज, ठीक है, ओरल कैविटीज आपको या तो मुंह से लेना हो या फिर गले के अंदर से लेना है, तो आप स्क्रैपिंग की मदद से ले सकते हैं। अगर स्टमक से या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस से लेना है, तो ब्रोंकोस्कोपी की मदद से लेते हैं। बॉडी फ्लूइड में मैंने आपको बताया दिया है, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया। प्लूरल फ्लूइड लंग्स के चारों ओर का जो फ्लूइड होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। इनको हम एक ड्राई कंटेनर में कलेक्ट करके फ्रेश स्पेसिमेन की स्लाइड हमें बनानी है। इसके बाद लास्ट है निप्पल डिस्चार्ज। एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इज नॉट रिलेटेड टू लैक्टेशन और प्रेगनेंसी एज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग, मतलब कि कोई भी निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब कि एबनॉर्मल फाइंडिंग है। रिक्वायरमेंट फॉर कलेक्शन, ये चीज़ें हमें सही होती है कलेक्शन के लिए। कलेक्शन कैसे करना है, पहले इसको क्लीन करना है, फिर प्रेस करना है दोनों साइड से, जो भी सेक्रेशन आएगा उसको स्लाइड पर ले लेना है, उसको फिक्स करना है बनाने के बाद, स्लाइड बनाने स्मियर बनाने के बाद 95% एल्कोहल से। तो कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी और फिक्सेशन, जो साइटोलॉजी में जो फिक्सेशन यूज में किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।